हे गाइस, इस वीडियो में हम जैक मार्टिन के इस 2.1 होम थिएटर का रिव्यू देखेंगे। सो अगर आपको एक अच्छा होम थिएटर खरीदना है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूसली देख लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो चलिए, इस वीडियो में हम इस 2.1 होम थिएटर का रिव्यू करने वाले हैं। इस होम थिएटर का टोटल साउंड आउटपुट जो है वो 126 वॉट्स है, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। जैक मार्टिन एक अच्छी कंपनी है, बट हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक किए बिना, उसे टेस्ट किए बिना कुछ रिव्यू नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम हर एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हर एक फीचर जानेंगे और ये इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह से है वो सभी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जैक मार्टिन की तरफ से आने वाला ये पैकिंग बॉक्स है। इसकी तरफ यहाँ पर आपको इसके सभी स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मॉडल नेम जो है वो जैक मार्टिन JMX5 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम में आता है। ये यहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इसके जो सैटेलाइट स्पीकर आते हैं, सैटेलाइट पावर आउटपुट है इसका 18 वॉट्स के दो स्पीकर आते हैं इसमें। इसके सब ऊपर का साउंड आउटपुट है 90 वॉट्स, मतलब इसका टोटल साउंड आउटपुट जो है वो 126 वॉट है, 126 वॉट्स है। इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसके साथ आपको दो ही सैटेलाइट स्पीकर प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि ये 2.1 में आता है। नीचे आपको पावर कंज्यूम्शन वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अप्रोक्सीमेटली वेट जो है वो 8.5 केजी के आसपास होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी साइज जो है, स्पीकर यूनिट जो है वो 6.5 इंचेस एंड दो जो सैटेलाइट स्पीकर आते हैं उनकी 3 इंचेस है। गाइस, इससे पहले आप सोनी या पैनासोनिक कौन से भी ब्रांड का होम थिएटर खरीदना चाहते हैं उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारे चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैंने सोनी या पैनासोनिक उनका भी वीडियो बना लिया है और अब मैं इस होम थिएटर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो अगर आपको वो भी पसंद आते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए। उनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए, जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो इसे मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वो उसके दो सैटेलाइट स्पीकर है और ये जो है सब ऊपर है। यहाँ पर आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, ये बास कंट्रोल करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं और सॉन्ग चेंज वगैरह करने के लिए दोनों साइड भी बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको USB कनेक्ट करने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका साउंड है सब ऊपर का और ये बस आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इसे पीछे की साइड देख सकते हैं, अगर आपको वो दो सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट करने हैं तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके साथ आपको दो पिन्स प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके साथ पिन प्रोवाइड की जाती है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आउटपुट पे कौन से भी पॉइंट पे इसे अटैच करना है। यहाँ पर आपको ऑफ ऑन करने के लिए ये बटन दिया हुआ है और ये इसकी वायर है, पावर कनेक्शन केबल। सो इसी तरह से ये इसका बैक है। ये साउंड भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बिल्ट हुई है, ये आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ग्लासी लुक है इसका, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बिल्कुल पसंद आया, अच्छी बात है। ये जैक मार्टिन ने एक अच्छी नई डिज़ाइन की है। जो मटेरियल यूज़ किया है, मतलब इसका जो प्लास्टिक यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया है। ये दो सैटेलाइट स्पीकर आते हैं उसे भी मैंने कनेक्ट कर लिया है इस सब ऊपर से। बॉक्स कंटेंट में आप देख सकते हैं, इसके साथ आपको ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है। इसकी सहायता से आप वॉल्यूम या ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पावर ऑफ ऑन का बटन भी दिया हुआ है। बॉक्स कंटेंट में आपको ये मैनुअल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टीवी से इसे कनेक्ट करना है तो इसके लिए 2 पिन्स दिए हुए, इसकी सहायता से आप आसानी से इसे बैक साइड पे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टीवी में ब्लूटूथ होगा तो ब्लूटूथ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी रेडियो एंटीना केबल भी इसके साथ प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको
FM वगैरह कुछ चलाना है तो उसकी एंटीना केबल भी प्रोवाइड की जाती है, इससे आपको ऊपर हाइट पे सेट करना होता है। सो इसी तरह से ये बॉक्स कंटेंट में दी गई चीजें। सो चलिए जल्दी से अब हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से साउंड क्वालिटी सुनना चाहते हैं तो आप हेडफोन का यूज जरूर कीजिए ताकि आपको क्लियरेंस अच्छी तरह से समझ आ सके। सो गाइस कैसी लगी आपको इसकी साउंड क्वालिटी? मैं आपको पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इस सभी साउंड का और इस सबवूफर का क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है। मतलब कई लोकल होम थिएटर वगैरह आते हैं उनमें आवाज़ जो होती है वो फट जाती है, बट इसमें आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। सो गाइस आपने इसकी बास क्वालिटी भी देख ली होगी, मैंने आपको टेस्ट करके देखा है। अगर आपको ज़्यादा बास या लाउड सुनना पसंद करते हैं, अगर आपको बास ज़्यादा चाहिए तो ये होम थिएटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ये खरीदना है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में बास प्रोवाइड किया गया है। और जैक मार्टिन एक अच्छी क्वालिटी के होम थिएटर बिल्ट करता है और ये भी एक अच्छी क्वालिटी में आने वाला होम थिएटर है, सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अगर आप इसे इसी समय पे खरीदते हैं तो इसकी प्राइस है 9,000 रुपीज, मतलब 9,000 के अप्रोक्सीमेटली 9,000 में आपको ये मिलेगा। सो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर खरीदना चाहते हैं सो आप ये खरीद सकते हैं। सो फाइनली गाइज, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका रिप्लाई दूंगा। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं उनके हर एक पॉइंट का हर एक जवाब दूंगा। सो और एक लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में दी गई बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचे। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।